अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कंसा रफ़ीक, सर्टिफाइड डाइटिशियन। वेलकम करती हूँ आप सबका आज की न्यू वीडियो में। वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि फैटी लीवर के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ इन डिटेल। रेमेडी शेयर करूँगी जो विद इन 15 डेज आप लोगों के फैटी लीवर को रिवर्स कर देगा टू द हेल्दी वन। और आप ये एक ऐसी रेमेडी है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो टेस्टेड है मेरे प्रीवियस पेशेंट्स के ऊपर, एंड दे कम अप विद गुड रिजल्ट्स। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इसकी वजूहात, इसकी अलामत, इसको डायग्नोज करने का तरीका, क्योंकि इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल भी शो नहीं होते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा फैटी लीवर है। फैटी लीवर बेसिकली लीवर के ऊपर चर्बी जमने को, फैट की डिपोजिशन को बोलते हैं। फैटी लीवर का एज सच मेडिसिनल कोई ट्रीटमेंट मार्केट में मौजूद नहीं है। इसको ट्रीट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए आप लोगों को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं, डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, एंड सर्टन रेमिडीज को यूज करना पड़ता है फैटी लीवर को ट्रीट करने के लिए। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, इसको ट्रीट नहीं करते, तो फैटी लीवर प्रोग्रेस कर जाता है बाकी कंडीशंस की तरफ और एंड स्टेज लीवर डिजीज की तरफ, जिसको सिरोसिस भी बोलते हैं, और वो इतनी खतरनाक होती है कि आप उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसका इलाज ही चलता रहता है हर वक्त, उसको वापस अपनी हालत में नहीं ला सकते, लेकिन फैटी लीवर को ज़रूर अपनी हालत में ला सकते हैं। इसी तरह बात कर लेते हैं स्टेजेस की। फैटी लीवर है जिसमें फैट्स की जो है डिपोजिशन हो रही है, अगर इग्नोर कर देंगे वो स्टेटोहेपेटाइटिस की तरफ जाएगी, यानी कि लीवर के अंदर मौजूद सेल्स जिनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह लीवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आप एट द एंड एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाएंगे जिसको सिरोसिस बोलते हैं, और सिरोसिस में आपका लीवर फंक्शन 100% डैमेज हो जाता है, आपके सेल्स डेड हो जाते हैं। इसीलिए फैटी लीवर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट लेना थ्रू थ्रू डाइटरी मॉडिफिकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है तो डॉक्टर्स इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आप लोगों ने खुद इसका ख्याल रखना है कि हमने इसको इग्नोर नहीं करना है। किस तरीके से ट्रीट करना है उसकी रेमेडी भी आगे मौजूद है। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं किन वजूहात की वजह से फैटी लीवर हो रहा है। फैटी लीवर की जो मोस्ट कॉमन कंडीशन हैं उसमें मोटापा, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, या ओवरवेट होना जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर का हाई होना, शुगर के मरीजों के अंदर रिस्क होता है फैटी लीवर को डिवेलप करने का, क्योंकि उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है एक्स्ट्रा वो फैट की शक्ल इख्तियार करके लीवर पर जमना स्टार्ट हो जाता है। और अगर तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी फैटी लीवर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। हाउएवर, आपको अर्ली स्टेज के अंदर फैटी लीवर के सिम्टम्स शो नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई एक आध भी शो हो रहा है तो आप लोगों ने इसका डायग्नोसिस लाजमी करवाना है। हाथों की हथेलियाँ, आंखों की पिलाहट स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, बॉडी पर ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर आपको स्पाइडर वेन्स नज़र आएंगी, जाले की तरह की आपको वेन्स नज़र आएंगी, पाँवों के अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है जिसको एडिमा बोलते हैं, पाँव सूज सकते हैं, पेट सूज सकता है जिसको एसाइड्स बोलते हैं, भूख कम हो जाएगी, आप हर वक्त थके थकान महसूस करेंगे और बॉडी के अंदर वीकनेस ही महसूस होगी। ये सब सिम्टम्स हैं जो कि फैटी लीवर को इंडिकेट करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो, इसकी डायग्नोसिस के लिए आपने अल्ट्रासाउंड की करानी है लीवर की, जिसके अंदर आपको पता लग जाता है कि लीवर के ऊपर कितना परसेंट फैट डिपॉजिट है। अब आती है बारी रेमेडी की। ये रेमेडी 15 डेज़ के लिए आपने यूज़ करनी है और आपने फिर एक हफ्ते का गैप लेना है, और ये प्रोसीजर 3 वीक्स टू 4 वीक्स तक कंटिन्यू रहेगा। इसको बनाने के लिए एक आपने फ्रेश अदरक लेना है, उसको कद्दूकस करके 1 टेबलस्पून उसका जूस निकाल लीजिए, 1 टीस्पून लेमन का जूस निकाल लीजिए, 1/2 टीस्पून आपने हनी लेना है टेस्ट के लिए, 1 ग्लास पानी के अंदर, ताज़े पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फ़ौरन से इसको पी लेना है। ये पानी आपने 15 दिन के लिए नहार मुँह खाली पेट पीना है, 1 हफ्ते का गैप लेना है, और फिर आपने इस प्रोसीजर 3 हफ्ते तक रूटीन से आपने यूज़ करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।